नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। बांग्लादेश हिंसा पर नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। बांग्लादेश हिंसा में मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में दंगाइयों ने की तोड़फोड़। ब्रजभूषण यौन उत्पीड़न मामले में आज रॉयल रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शशि थरूर का बयान, सरकार के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने पर खुशी, विदेशी मुद्दों पर हम एक हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, उम्मीद है बांग्लादेश के मुद्दे पर दोनों सदनों में होगी विस्तृत चर्चा। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार पर बोला हमला, बताया सबसे बड़ा गद्दा। गंगा में बढ़ाव के चलते मणिकर्णिका का बदला गया श्रद्धा का स्थान। भारत के साथ खुला शेयर बाजार सेंसेक्स में 900 और निफ्टी में 250 अंकों की आई तेजी। राजस्थान में हुई भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत, एक लापता। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।